सब्सक्राइब करिए टेक्निकल टेक विद शिवम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आप भी स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, लेने की सोच रहे हैं, तो आज के वीडियो देखते रहिए। आपको बताऊंगा कि आप अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन कैसे ले सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं टेक्निकल टेक विद शिवम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन लेकर मत जाइए स्मार्टफोन लेने। जैसे कि मान लीजिए आप लेकर जा रहे हैं कि मेरे को एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें 8-8 मेगापिक्सल के कैमरा हों, आप दुकान पे जा रहे हैं तो आपने बोला कि इतने मेगापिक्सल के कैमरा वाले स्मार्टफोन दे दो, तो दिखला देगा आपको, तो जिस भी रेंज में दिखलाएगा तो आप उसको ले लोगे। फिर ये आपकी गलती है कि बाद में आप उससे खुश नहीं रह सकते। हाँ, कैमरा के मामले में तो वो आपको दे देगा खुशी, फिर परफॉर्मेंस उसकी इतनी अच्छी नहीं होगी, हो सकता है बैटरी लाइफ भी अच्छी ना हो, डिस्प्ले क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, स्टोरेज उसके अंदर ज़्यादा ना हो और रैम भी उसकी कमी हो। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कुछ कोई भी पार्टिकुलर स्पेसिफिकेशन लेके मत जाइए कि मान लीजिए आप लेकर जा रहे हैं स्नैपड्रैगन का 625 का प्रोसेसर होना चाहिए, स्नैपड्रैगन का 845 का प्रोसेसर होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन आप लेकर जब जा रहे हैं वहाँ पर, तो ये मतलब आपको जो आप लेकर जा रहे हो वो तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो यही मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि अगर आप लेने जा रहे हैं कोई भी स्मार्टफोन, तो कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन लेके मत जाइए। कुछ 4-5 चीज़ें आप नोट करके जाइए और वैसे ही आपको उस स्मार्टफोन में चाहिए, तब वो आपके लिए परफेक्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए कैमरा आपको 8 और 5 मेगापिक्सल के मिल जाए तो नॉर्मली एकदम ठीक है, और बैटरी लाइफ आपको मतलब 2500 mAh से ज़्यादा की बैटरी होनी चाहिए, और जो डिस्प्ले है वो फुल HD तो होनी चाहिए, डिस्प्ले का मिनिमम साइज़ 5 inch होना ही चाहिए, और जो स्टोरेज है 2GB उसकी रैम होनी चाहिए, 16GB स्टोरेज होनी चाहिए, और उसके अंदर मतलब आपको सारी सुविधा मिल जाए। मान लीजिए जैसे कि 3.5 mm ऑडियो जैक उसके अंदर आपको मिल जाए, तो और ध्यान रखिए अगर आपको उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल रहा है तो ये और अच्छी बात है। ये मैं बता रहा हूँ नॉर्मली अगर आप मिड रेंज के फ़ोन अगर लेते हैं, मिड रेंज या फिर बजट सेगमेंट के फ़ोन, उसमें ऐसा होता है, क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन्स में तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाती है, बैटरी लाइफ भी ठीक मिल जाती है, और कैमरा तो उनके कमाल ही होते हैं। तो अगर आप मिड रेंज के ऐसे फ़ोन ले रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे नहीं कि मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर एक कैमरा लेकर गए कि उसके अंदर इतना कैमरा होना चाहिए, और बाद में आपको इतना कैमरा तो मिल गया पर आपको बैटरी लाइफ ही नहीं मिल रही। तो अच्छा कैमरा भी होना चाहिए, अच्छी बैटरी लाइफ भी होनी चाहिए, और अच्छा उसके अंदर प्रोसेसर हो, अच्छी स्टोरेज आपको मिले, अच्छी डिस्प्ले हो, मोबाइल का साइज़ भी अच्छा खासा हो। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप दुकान पर जाएंगे तो उसका जो बॉक्स रहता है उसमें आपको सारी स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं। तो देखिए, आप कंपेयर करिए इस वाले बॉक्स से और इस वाले बॉक्स में कि क्या इसमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो मेरे को इसमें उससे अच्छी मिल रही हैं, उससे ख़राब मिल रही हैं। तो मान लीजिए इस वाले में ख़राब मिल रही हैं, इसमें अच्छी मिल रही हैं, तो ऐसे नहीं कि उसी को चुन लिया, और भी देखिए उस रेंज में जो जो स्मार्टफोन्स हैं उनको चेक करिए, क्या पता उससे अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको किसी और में मिल जाए। और नॉर्मली देखिए ज़्यादातर कंपनी जो अभी नॉर्मल ब्रांड्स हैं जो अभी इतना ट्रेंड में नहीं चल रही हैं, तो आप क्या करिए कि आप ऐसे ब्रांड्स का स्मार्टफोन लीजिए जो अभी ट्रेंड में हो, जैसे सैमसंग हो गया और भी बहुत हैं, शाओमी अभी बहुत ट्रेंड में है, तो जो ऐसे कोई ब्रांड्स हैं जो अभी ट्रेंड में हैं उनके आप फ़ोन लेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसे फ़ोन लीजिए जो अभी जिस साल में आप ले रहे हैं, मान लीजिए आपने 2018 में अभी लिया, तो वो फ़ोन आपका अभी 2018 में ही लॉन्च हुआ हो, तो कोशिश करिए कि ऐसा ही फ़ोन लीजिए। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन लेने जा रहे तो वो फ़ोन क्या पता 2-3 साल पुराना फ़ोन हो, तो उसमें आपको अपडेट्स मिलना नहीं मिलते हैं, कोई भी अगर नया अपडेट आया लेटेस्ट तो उसमें आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप इसी साल का अगर फ़ोन लेंगे एक ट्रेंड ब्रांड से जो ब्रांड अभी ट्रेंड में है, तो उसमें आपको अपडेट जल्दी मिल जाएंगे और आपको फिर अच्छा भी लगता है कि यार नया अपडेट आया, वो आपको मिल गया। और ध्यान रखिए कि अगर आप कुछ बॉक्स में अगर स्पेसिफिकेशंस देख रहे हैं तो आपको बॉक्स में सिर्फ उसके प्रोज मिलेंगे, कुछ कॉन्स मान लीजिए उसमें सारी चीज़ें लिखी है, मान लीजिए उसमें प्रोसेसर उसमें मेंशन नहीं करा गया है, तो आप समझ जाइए कि इस फ़ोन का प्रोसेसर इतना अच्छा होगा ही नहीं, तो इन्होंने इसी ने उसको मेंशन नहीं करा। और ऐसा कोई स्मार्टफोन देखिए जिसमें आपको वहाँ पे अच्छे से सब कुछ दिख गया हो, मान लीजिए सैमसंग हो गया, तो उसकी जो स्मार्टफोन्स हैं
तो मतलब यार ठीक ठाक आपको मिल जाते हैं। मिड रेंज में अगर आप जाएंगे तो यार 10,000 से नीचे वाले मत लीजिए। जो आपको सैमसंग गैलेक्सी का G7 प्राइम है वो एक अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। और भी जितने भी हैं आपको स्मार्टफोन्स मिलते हैं 10,000 से ऊपर के, तो वो आपको ब्रांड, जिस भी ब्रांड का ले रहे हैं, तो ये नहीं कि वो कोई सा भी ब्रांड ले लिया, आपने उसका नाम भी नहीं सुना है और उसका स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशंस अच्छी मिल गई। मान लीजिए उसमें बैटरी 4000 mAh की मिल गई तो आप खुश हो जाएंगे, अभी बैटरी 4000 mAh की है तो चलो भाई इस स्मार्टफोन को ले लेते हैं। तो नहीं भाई, हो सकता है वो बैटरी 4000 mAh की है तो बैकअप तो दे रही है, पर वो बैटरी हो सकता है हीट भी हो, आपको हीटिंग प्रॉब्लम उसमें आपको देखने को मिल सकती है। तो मतलब एंड में मैं आपको यही कहना, मतलब बताना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टिकुलर स्पेसिफिकेशन लेके मत जाइए, अच्छे से देख के जाइए ये स्पेसिफिकेशंस मेरे को स्मार्टफोन में चाहिए, आपकी यूसेज के हिसाब से कि कैसा मेरा मतलब कंज्यूम मैं करूँगा, तो उस हिसाब से आप अपनी देख के जाइए कि हाँ उसमें इतनी स्टोरेज होनी चाहिए कम से कम, ऐसा कैमरा होना चाहिए, इतनी बैटरी होनी चाहिए, डिस्प्ले साइज मिनिमम इतना होना चाहिए, इतनी उसकी डिस्प्ले का रिजोल्यूशन होना चाहिए, तब जाके आपको एक आपके लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी बात है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं कौन और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी यू।